हेलो गाइस वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर मैंने पिछले वीडियो में ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में जानकारी दी थी ग्लैंड्स के टाइप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था सो तो इन दोनों वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो आप इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा ताकि ग्लैंड्स के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकेगी और आज का टॉपिक समझने में भी आसानी होगी आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड का एक टाइप देखेंगे और वो ग्लैंड है पिचुटरी ग्लैंड द पिच्यूटरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम सो इस वजह से इसका मेन फंक्शन हुआ इट्स सीक्रेट्स हॉमोन्स डायरेक्टली इंटू ब्लड क्योंकि इस ग्लैंड के पास डक्ट नहीं है सो so, डक्ट ना होने के रीजन से पिच्यूटरी ग्लैंड खुद का हॉर्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाके छोड़ देती है पिच्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है अब इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं बिकॉज इट्स नॉट ओनली सीक्रिट इट्स ओन हारमोन्स मीन्स ये खुद का हॉर्मोन तो सीक्रिट करती ही है बट ऑल्सो इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड तो ह्यूमन बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है अदर देन पिचुटरी ग्लैंड जो कि है थायरॉयड ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड तो इन सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने में भी ये पिचुटरी ग्लैंड हेल्प करती है सो so, इस वजह से पिचुटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है सभी ग्लैंड में से सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में होती है वो है पिच्यूटरी ग्लैंड जिसकी साइज मटर के दाने इतने होती है एंड इट इज रेडिश ग्रे इन कलर अब इसका लोकेशन कहाँ पे है तो इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस एंड बिहाइंड द ब्रिज ऑफ नोज इस डायग्राम में देखिए ये नोज़ के एग्जैक्ट पीछे और हाइपोथैलेमस के नीचे ये पिच्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन है इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथलैमस तो हाइपोथलैमस के हेल्प से इस ग्लैंड को कंट्रोल किया जाता है पिचुटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट पार्ट तो पहला पार्ट है एंटेरियर लोब जिसे एडिनो एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहा जाता है और सेकेंड लोब है दैट इज पोस्टेरियर लोब इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोहाइपोफाइसिस अब इन दोनों लोब को इस डायग्राम में देखिए ये है एंटेरियर और ये है पोस्टेरियर लोब तो ये दोनों लोब ही हाइपोथलेमस से अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक अब इस स्टॉक का क्या नाम है तो इसे कहते हैं इनफंडिबुलम और हाइपोफाइजियल स्टॉक तो ये दोनों ही लोब हाइपोथलेमस से अटैच होते हैं नाउ देखेंगे एंटेरियर लोब के बारे में एंटीरियर लोब इज़ एन आउटग्रोथ फ्रॉम द रूप ऑफ बक्कल कैविटी ये लोब बक्कल कैविटी के रूफ के एग्जैक्ट ऊपर है इट इज़ लार्जेस्ट लोब ऑफ पिचुटरी ग्लैंड एंड इट इज हाईली सेल्यूलर एंड वस्क्युलर पार्ट ऑफ पिचुटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब के पास वेरियस इपिथेलॉइड सिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि है एसिडोफाइल्स बेसोफाइल्स एंड क्रोमेटोफोरस। नाउ देखेंगे एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन्स को सीक्रेट करती है और रिलीज करती है तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है ग्रोथ हार्मोन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। अब इस हार्मोन का बॉडी में क्या रोल है तो जो ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती है या फिर जो फ़िज़िकल डेवलपमेंट होती है बॉडी की तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इस ग्रोथ हार्मोन का तो इस ग्रोथ हार्मोन के वजह से ही बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट होती है अगर समझिए पिचुटरी ग्लैंड में खुद का सिक्रेशन कम या ज़्यादा कर दिया तो बॉडी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है तो अगर पिचुटरी ग्लैंड ने खुद का सिक्रेशन सही मात्रा में नहीं किया या फिर उसने खुद का सिक्रेशन कम किया तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो अगर बॉडी में हाइपोसिक्रेशन हो जाए मतलब बॉडी में पिचुटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम कर दिया तो बॉडी को डिसऑर्डर हो सकता है तो वो डिसऑर्डर है पिच्युटरी डॉर्फिज़म दैट मीन्स इस डिसऑर्डर में क्या होता है बॉडी की फिजिकल ग्रोथ रुक जा रुक जाती है ओके सेकेंड कंडीशन है अगर पिच्यूटरी ग्लैंड ने खुद का जो ग्रोथ हॉर्मोन है अगर वो ज़्यादा क्वान्टिटी में कर दिया तो उस कंडीशन को कहेंगे हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो इस टाइम में बॉडी को एक डिसऑर्डर हो सकता है उसे कहेंगे गिगेंटिज्म इट इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवर ग्रोथ दैट मीन्स बॉडी की इस टाइम में इस कंडीशन में ओवर ग्रोथ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल बॉडी की हाइट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो वह समझना चाहिए कि पिचुटरी ग्लैंड ने खुद का ग्रोथ हॉर्मोन ज़्यादा क्वान्टिटी में सिक्रेट किया तो इस वजह से पिचुटरी ग्लैंड को खुद का हॉर्मोन ग्रोथ हॉर्मोन सही मात्रा में सीक्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ देखेंगे एंटीरियर लोब का सेकेंड कौन सा हारमोन सिक्रेशन जो कि है टी एस एच तो ये है एंटीरियर लोब और एंटीरियर लोब ने थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट किया अब इसका रोल क्या है बॉडी में तो जो बॉडी में थायरॉयड ग्लैंड है तो थायरॉयड ग्लैंड को एक्टिवेशन देने का काम ये टी एस एच करती है ताकि थाइरॉयड ग्लैंड थाइरॉयड हार्मोन्स को सिक्रेट कर सके थर्ड जो हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब ही उसे रिलीज करता है तो वो है ए सी टी एच दैट मीन्स एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन दैट इज ए सी टी एच अब ये हार्मोन क्या करता है तो बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड है उसे एक्टिवेशन का उसे एक्टिवेट करने का काम ये एसीटीएच करता है ताकि एड्रिनल ग्लैंड खुद का हार्मोन, दैट इज कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है वो रिलीज कर सके तो ये कॉर्टिसोल या थायरॉयड हार्मोन इन हॉर्मोन्स का क्या फंक्शन है तो हम हमारे आने वाले वीडियोस में वन बाय वन सभी को डिस्कस करने वाले हैं मैं सभी ग्लैंड को वन बाय वन डिस्कस करने ही वाली हूँ तो आज मैं इन डिटेल इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली तो एंटीरियर लोब ये थर्ड हॉर्मोन कौन सा सिक्रेट करती है वो है ए सी टी एच नेक्स्ट हॉर्मोन है एंटीरियर लोब रिलीज करता है वो है प्रोलेक्टिन अब ये क्या करता है जो वुमन्स में ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है उन्हें प्रोडक्शन देने का काम ये प्रोलेक्टिन करता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंटेरियर लोब का जो कि है गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय गोनेडोट्रोपिक सेल अब गोनेडोट्रॉपिक सेल का दूसरा एक नाम है जिसे हम गोनेडोट्रॉप्स भी कहते हैं दैट मीन्स गोनेडोट्रॉपिक सेल इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोनेडोट्रॉप्स। ट्रॉप्स ओके अब ये गोनेडोट्रॉप्स जो है ये गोनेडोट्रॉप्स क्या करते हैं ये गोनेडोट्रॉपिन नाम का जो हार्मोन है उसे सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं अब ये सवाल ये है कि गोनेडोट्रॉपिक सेल कहाँ पे रहते हैं तो जो एंटीरियर लोब है पिचुटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब है वहाँ पे ये गोनेडोट्रॉपिक सेल होते हैं एंड धिस हारमोन दैट मीन्स गोनेडोट्रॉपिक हारमोन एक्ट्स ऑन गोनेट्स गोनेड्स मीन्स ओवर इज इन फीमेल एंड टेस्टीज इन मेल तो गोनेडोट्रॉपिक इंक्लूड्स टू हारमोन्स तो जो दो हारमोन्स हैं गोनेडोट्रोपिक्स के वो है फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हारमोन एंड दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अब फॉलिकल स्टिम्यूलेटिंग हार्मोन को एफएसएच कहा जाता है अब एफएसएच का क्या रोल है बॉडी में तो इट इन्वॉल्व विथ एस्ट्रोजन सिक्रेशन एंड द ग्रोथ द ग्रोथ ऑफ़ एक सेल्स इन वुमन तो वुमन में ये एफएसएच का क्या रोल है ये एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है एज वेल एज एक सेल की ग्रोथ करने में ये वुमन्स की हेल्प करता है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मेल तो एफ एस एच ये वुमन में भी रहता है और मेल्स में भी ये हॉर्मोन पाया जाता है अब मेल में क्या इसका रोल है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पर्म सेल प्रोडक्शन तो मेल में स्पर्म सेल प्रोडक्शन के लिए ये एफ एस एच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब दूसरा जो है वो है एल एच हॉर्मोन इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन ये भी एस्ट्रोजन प्रोडक्शन में वुमेंस की हेल्प करता है और मेल में टेस्ट्रोस्टेरॉन प्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों ही टाइप है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाउ देखेंगे सेकेंड लोब हमने एंटीरियर लोब डिस्कस किया अभी देखेंगे पोस्टेरियर लोब क्या होता है द पोस्टीरियर लोब ग्रोज एज अ डाउनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हाइपोथैलेमस द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पीच्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो सीक्रेट हॉर्मोन्स तो ये भी हॉर्मोन्स को ही सीक्रेट करता है दीज हारमोन्स आर यूजअली प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथलीमस बट इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए कि ये जो पोस्टेरियर लोब हारमोन सिक्रेट करते हैं तो वो हॉमोन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं कहाँ पर उन्हें बनाया जाता है तो वो प्रोड्यूस्ड होते हैं हाइपोथलीमस में और हाइपोथलैमस से उन्हें भेजा जाता है पोस्टेरियर लोब की तरफ और पोस्टेरियर लोब में उस हार्मोन को स्टोर करके रखा जाता है जब तक बॉडी में ज़रूरत ना पड़े जब तक कि वो वहाँ से रिलीज़ ना हो तब तक वो जो हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किए हैं वो स्टोर हो जाते हैं पोस्टेरियर लोब में अब वो हार्मोन्स कौन से होते हैं वो है ए डी एच दैट मीन्स एंटी ड्यूरेटिक हॉर्मोन अब इसका क्या रोल है इट हेल्प्स बॉडी टू कंजर्व वाटर तो बॉडी में जो वाटर है उन्हें कंजर्व करने का काम ये हार्मोन करते हैं ताकि बॉडी को डिहाइड्रेशन को फेस ना करना पड़े फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन सेकेंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन These hormones stimulate द रिलीज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड इट also स्टिम्यूलेट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटेरस ड्यूरिंग लेबर तो यूटेरस का कॉन्ट्रेक्शन होने के लिए ऑक्सीटोसिन दैट मीन्स वूमन में जो यूटेरस का कॉन्ट्रेक्शन होता है वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन जो कि पोस्टेरियर लोब रिलीज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये हुआ पोस्टेरियर लोब के हॉर्मोन्स जो जो कि है ए एंड ऑक्सीटोसिन अगर समझ लीजिए कि पिच्यूटरी ग्लैंड ने प्रॉपर फंक्शनिंग ना किया तो क्या प्रॉब्लम होगा तो इट अफेक्ट वाइटल पार्ट्स लाइक ब्रेन स्किन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विजन ग्रोथ मूड एनर्जी एंड मैनीम तो बहुत से चीज़ों को प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें कंट्रोल करने वाला जो पिच्युटरी ग्लैंड है अगर उसने ही प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं किया तो बॉडी में बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ पिचुटरी ग्लैंड इसमें हमने उसका लोकेशन साइज उसके सारे फंक्शन उस वो कौन से हॉर्मोन सिक्रेट करते हैं ये सारा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और यह वीडियो शेयर कीजिएगा थैंक यू